पहला आकलन जो है कम से कम 5,000 से अधिक पुलिस बल इसमें रहेगा सुरक्षा की दृष्टि से, पुलिस की दृष्टि से। तो जहाँ पे भी ये कार्यक्रम रहेगा या जहाँ से भी आवागमन का है, जहाँ से भी बहुत सारी हम लोग वैकल्पिक और आकस्मिक व्यवस्थाएं भी इसमें तैयारी उसकी कर रहे हैं, इसमें हर जगह 3 से 4 लेयर की 5 लेयर की सिक्योरिटी की प्लानिंग चल रही है, जिससे कि कोई भी ऐसा एक एंगल या कोई भी ऐसा कोण छूट नहीं जाए, जिससे कि कहीं भी कोई कमी रह जाए। इसके लिए सबसे पहले जैसा आपने लिखा है कि बटुआ जो हमारा मुख्य भूमिपूजन स्थल है वहाँ पर उसमें साधन संसाधन रहेंगे, जो पुलिसकर्मी है पुलिसकर्मियों के अलावा वहाँ पर फेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी, 2 लेयर फेंसिंग की व्यवस्था रहेगी जो हेलीपैड में भी रहेगी और उसके बाद काफ़ी कार्यक्रम स्थल पर भी रहेगी। कार्यक्रम स्थल में जो मुख्य कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम स्थल से वहाँ से आपका जो अन्य आकस्मिक सुविधाएँ हैं या जो वैकल्पिक मार्ग हैं, क्योंकि 1 या 2 3 ऐसे मल्टीपल मार्ग हम लोग सुनिश्चित करके रखेंगे, आसपास के जो पूरे एरिया है उसकी सघन चेकिंग होगी। आसपास में आपने देखा होगा जंगल भी है, कुछ पहाड़ियाँ भी हैं, उन सब में ही प्रॉपर जो है हमारा जंगल स्पेशलाइज जो फोर्स रहता है आर्म फोर्स, वो जाके उसमें सर्चिंग का प्रावधान है, उसके लिए डिमांड की गई है। संभवतः हमें हॉक फोर्स भी मिलेगा जो जंगल सर्चिंग में और इस तरह के एरिया डोमिनेशन में स्पेशलाइज करता है, तो वो फोर्स वहाँ डिप्लॉय रहेगा। इसके बाद जो हमारा आम सभा स्थल है जो धाना में है वहाँ पे भी हेलीपैड की व्यवस्था है, हेलीपैड सुरक्षा के लिए वहाँ पर फोर्स डिप्लॉय रहेगा, आम सभा स्थल पे फोर्स डिप्लॉय रहेगा। साथ ही साथ जो ये पहला हो गया सुरक्षा का पार्ट, 4 लाख लोग उस समय वहाँ पर आएंगे, सभी की प्रॉपर जो DFMB NHMP से चेकिंग होती है, फ्रिकिंग होती है, पूरा सभी को सुरक्षा की दृष्टि से चेकिंग करके सुरक्षित सबको सेक्टर से बिठाया जाएगा। तो वहाँ पर हर सेक्टर में, हर चेकिंग द्वार में, पूरे आम सभा स्थल में VIP सुरक्षा को देखते हुए, जो आम जन आ रहे हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए फोर्स वहाँ डिप्लॉय, लगभग 3,000 की संख्या में बसें आएंगी जो ढाना पहुँचेंगी। इसके साथ ही साथ 2,500 से 3,000 फोर व्हीलर्स की भी प्लानिंग की गई है, इस हिसाब से लगभग 5,500 से 6,000 वाहन हमारे ढाना पहुँचेंगे, वो सुरक्षित तौर पे पहुँचे। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था जो ट्रैफिक सुरक्षा व्यवस्था, मार्ग सुरक्षा व्यवस्था वो लगी रहेगी। जो हमारी जो 4 लेन है मतलब कि नरसिंहपुर से लेके जो हमारा मालथौन तक का हाईवे है, इसमें लगातार पॉइंट पॉइंट पे हमारी पेट्रोलिंग व्यवस्था, कहाँ से चेक पॉइंट्स देने हैं, कहाँ पर यदि कोई वाहन खड़ा हो जाता है तो उसको हैंडल करने के लिए, उसको साइड में करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए जो आपके क्रेन्स होती हैं या आपके बुलडोजर्स होते हैं वो व्यवस्था, दमोह रोड से ढाना पहुंचने के लिए जो सुरक्षित मार्ग हमें प्रोवाइड करेंगे 3-4 वो व्यवस्था है, ये सारी सुरक्षा मार्ग सुरक्षा व्यवस्था है। आपको बताया गया कि 5,000 लगभग पुलिस फोर्स डिप्लॉय होगा, जिसमें कि हमारे जिले का पुलिस फोर्स शामिल है, इसमें प्रदेश के अन्य जिलों से भी जो पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा वो पुलिस बल इसमें शामिल रहेगा। हमारा स्पेशलाइज यूनिट जो है, ऐसे FT यूनिट्स होती हैं और जंगल और एरिया सर्चिंग, एरिया डोमिनेशन के लिए आपको उसकी कुछ यूनिट्स हमें मिलेगी, वो सभी इसमें डिप्लॉय किया जाएगा।